दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर जेएस को कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे डाउनलोड भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा, एक फोल्डर में बना लेता हूँ एंगुलर जेएस नेम का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर जेएस, ठीक है, और उसके अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पे एक मैं HTML फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि एंगुलर जेएस को हम HTML के साथ बाइंड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ index.html। तो मेरे पास ये फाइल बन चुकी है, इसे मैं सबलाइन में एडिट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे HTML का मैं स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ पहले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर जेएस, यहाँ डैश देके मैं लिख देता हूँ इन दी ट्यूटोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि एंगुलर जेएस की जो फाइल है, यानी कि एंगुलर जेएस की जो प्रॉपर फाइल है, उसे हमें यहाँ पे HTML के साथ लिंक करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसे फाइल को कैसे लिंक करते हैं। तो यहाँ पे अपने मैं ब्राउजर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हमें गूगल पे सर्च क्या करना है, सिर्फ एंगुलर जेएस। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि गूगल में सिर्फ आपको लिखना है एंगुलर जेएस दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर जेएस और यहाँ पे मैं इसे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने ये एंगुलर जेएस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा है ट्राई द न्यू एंगुलर, तो वहां पे हमें क्लिक नहीं करना है और यहाँ पे सीधा डायरेक्टली हम डाउनलोड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है ब्रांच, यानी कि जो 1.7 है वो उसका लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे आपको यहीं पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है बिल्ड तो मिनीफाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट लिंक दी है CDN, यानी कि ऑनलाइन सर्वर से डायरेक्ट हम एंगुलर जेएस को कॉल करवा सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने टाइटल टैग के नीचे डायरेक्टली मैं स्क्रिप्ट टैग से इसे लिंक करवा देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एंगुलर जेएस को HTML के साथ लिंक करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रिप्ट और यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखना होता है हमें SRC और उसके अंदर हमें ये टेस्ट कर देना है, यानी कि ये डायरेक्टली ऑनलाइन यहाँ से सर्वर से ये हमारे पास एंगुलर जेएस है वो लिंक हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऑफलाइन को कैसे लिंक करें मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पे इसे मैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने CDN उठाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड, तो डाउनलोड पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने पूरी एंगुलर जेएस है वो मिल जाएगी। तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहाँ पे मैंने सेव करके, हाँ डेस्कटॉप पे। दोस्तों डेस्कटॉप पे हमें जाना है और डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर कौन सा था, यहाँ पे एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले जेएस। ठीक है, उसके अंदर हम रख देंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं फाइल को यहाँ पे रख देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास अब एंगुलर जेएस आ चुके हैं। तो इसका मुझे ब्राउजर का भी कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों, तो इसको ये तो मेरे पास ऑनलाइन आ गई, तो अभी ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन को कैसे लिंक करते हैं, तो यहाँ पे इसकी भी मदद से हम स्क्रिप्ट टैग की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ SRC और उसके अंदर हमारे पास फोल्डर कौन सा था, जेएस। तो जेएस फोल्डर स्लैश और यहाँ पे हमारे पास फाइल कौन सी थी दोस्तों। तो जब भी आप फाइल लिंक करो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको यही हैबिट रखनी होगी कि यहाँ पे इस फाइल है उसका नेम है एक्सटेंशन के साथ हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास अब ऑफलाइन हो गई है, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन को निकाल देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलूँगा कि जब मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करता हूँ तो मैं आपको सिर्फ ऑफलाइन एंगुलर जेएस की बात कहूँगा, क्योंकि जो ऑफलाइन है उसको मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास अब एंगुलर मीन जेएस लिंक हो चुकी है दोस्तों। तो ये था एंगुलर जेएस को कैसे HTML के साथ लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में बेसिक नॉलेज, यानी कि बेसिक कैसे प्रिंट करते हैं, यानी कि कैसे वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, बेसिक टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।